नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। फशारे कबर को ऐसा निढाल कर दूंगा, फशारे कबर को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत को बहाल कर दूंगा। अरे सुन, अली के नाम ने जो रद दी इतनी जेर लहद, फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा। और सुन सामने अलामा अली करार अबू ज़र परसन, और इन्हें तो बाद जाकर नसीम अब्बास चकवाल, और आखिर ते साईं कैसर अब्बास मलंग, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए। التماس دعا برائے ظہور حجت خدا اللهم كن لوليک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال نزيلو کا ہے سو متا جہتر کا بھی وظائف کا ہے سو کنتو من البلاد نزيلو کا ہے سو متا جہتر کا بھی وظائف کا ہے سو کنتو من البلاد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات باواز بلند दो दो कदम अगे हो ताकि जश्न का माहौल बन बने। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा मिन आसारे सुल्तानिही وجلال کبریائہ ما حیر مقل العیون من عجائب قدرتہ وردا خطرات ہما من نفوس عن عرفان کنہ صفتہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ارسلہ وعلام الہدا وارثۃ فمناہج الدین تامسۃ فسدا بالحق ونصحا للخلق وحدا الى الرشد وامر بالقصد سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی امیر المومنین سخن گزار منبر سلونی सरवर मुतल्लबी इबन अम नबी दुर्रहल्लता महरे बुर्ज नमा शाह सवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वुस्का कलिमतुल हसना सैयदुल औसिया अमादुल असफिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन امام المتقین اول العابدین عزد الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ سر اللہ اذن اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ اسد اللہ اسد اللہ الغالب غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین فلانۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من ابتداء الوقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات باواز بلند پڑھیں दुआ है खालिक कायनात इमाम जमा अलैहिस्सलाम का जल ज़हूर फरमाए।
हमें अपने आका व मौला इमाम जमा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाए। पालने वाले जो मोमिन बीमार हैं आज के दिन कसद का मालिक सेहत कामिला अता फरमा। जो मोमिन भी औलाद हैं मालिक जनाब रबाब की उजड़ी गोद का वास्ता औलाद नरीना अता फरमा। पालने वाले जो मोमिन बेगुनाह कैद हैं मालिक रिहाई अता फरमा। मालिक हमें वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले हमें आमले साले करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले हम गुनाहगार हैं खताकार हैं तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, हम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। पालने वाले बानी जशन भाई जुल्फकार और उनके भाइयों की ये मेहनत ये कोशिश मालिक अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। मालिक दामे दरमे कदमे सुखने जिसने भी जिस तरीके से भी जशन में शिरकत की है मालिक सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। हमारी पहली और आखिरी दुआ हमारे वारिस हकीकी इमाम ज़माना का जल ज़हूर फरमा। ज़हूर सलामती साहिबुल असर के लिए सारे हजरात मिलकर बाबा ज़े बुलंद सलावात पढ़ें। तवज्जो है जी बात शुरू की जाए। आप जितने बैठे हैं मेरे लिए काफ़ी हैं क्योंकि मिशन हुसैन के लिए थोड़े बंदों की ज़रूरत होती है। 72 में भी हुसैन की तरफ करबला में भी 72 थे हुसैन के साथ, दूसरी तरफ 9 लाख थे। मिशन है हुसैन के लिए थोड़े बंदों की जरूरत होती है। हम 9 मुहर्रम को रोते हैं दुनिया हंसती है ऐसे। हम 9 मुहर्रम को मैं पहला फिक्रा कहने लगा, इस फिक्रे के बाद मुझे पता चलेगा मैंने कितना पढ़ना। मेरे पास सुर तो है नहीं कि मैं आपको कसीदे सुनाऊंगा, मेरे पास लफ्ज है, मैंने लफ्ज बोलने हैं। हम रोते हैं तो दुनिया हंसती है। 9 मुहर्रम को 10 मुहर्रम को हम रोते हैं दुनिया हंसती है। आज हम हंस रहे हैं तो दुनिया रो रही है। हाय 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 मालिक दान सलामत रखे। ये कानून है, ये फितरत है। जब कोई मुखालिफ हंसता है तो दुनिया रोती है। लाख एहसान है आले मोहम्मद के। आप जितने बैठे हैं आप तवज्जो से सुने, मेरे लिए काफी है। लाख एहसान है आले मोहम्मद के कि जिन्होंने हमें रोने का सलीका भी बताया है, हंसने का तरीका भी बताया है। हमें पता है रोया कैसे जाता है जवार साहब, हमें पता है कि मुस्कुराया कैसे जाता है। हमें रोने का सलीका भी आता है, हमें हंसने का तरीका भी आता है। लेकिन दुनिया वालों ने लाखों पीर बनाए हैं लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं है कि रोया कैसे जाता है मुस्कुराया कैसे जाता है। ये इज्जत ये इफ्तखार ये फकत हम शियों के पास है कि हमें अपने पीरों ने बताया है कि रोया कैसे जाता है मुस्कुराया कैसे जाता है। हम अपने पीरों का, हम अपने रहबरों का, हम अपने आइम्मा का यौमे विलादत भी मनाते हैं, यौमे शहादत भी मनाते हैं। दुनिया वाले अपने पीरों का यौमे विलादत नहीं मना सकते। अगर कोई बंदा सवाल करे कि दुनिया वाले अपने पीरों का यौमे विलादत क्यों नहीं मना सकते तो जवार साहब मैं ये जुमला कहने का हक रखता हूं कि यौमे विलादत उनका मनाया जाता है जिनकी वल्दियत कन्फर्म हो। जो हाथ बुलंद हुए हैं मालिक सलामत रखे यार, मालिक आप सलामत रखे। हम अपने पीरों का यौमे विलादत भी मना सकते हैं। मेरे को सिर्फ लफ्ज नहीं थी, सुर कोई नहीं। मालिक आपको सलामत रखे। 3 शबान है ना जी, 3 शबान है। हुसैन के जश्न में आयो, हुसैन का जश्न मनाने आयो ना। और जो बंदा हुसैन बादशाह के जश्न में आके परेशान हो जाए, हुसैन के जिक्र में हुसैन के जश्न में आके परेशान नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं जो बंदा हुसैन बादशाह के जिक्र में भी आके परेशान हो जाए फिर उसकी परेशानी का इलाज पूरी कायनात में नहीं होता। वो जो दरबारे नबूवत से राह परेशान होकर निकला था, जब बुजुर्ग बैठे सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं राह हुसैन बादशाह के मोहम्मद मुस्तफा के दरबार से परेशान होकर निकला था, रास्ते में हुसैन बादशाह मिल गए। शब्बीर आवाज देके कहता रहा है हमारे नाना के दरबार से रोकर निकलते हुए हमारे नाना के दरबार की अता पे तोहमत लगा रहे हो। शब्बीर आवाज देके कहते हैं राहिब हमारे नाना के दरबार करने क्या गए थे। राहिब देके कहते सरकार आपके नाना के दरबार बेटे मांगने गया था। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया राहिब तेरी तकदीर में औलाद नहीं है, तेरी तकदीर में बेटे नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया
नबी जानते थे राह मेरे दरबार से निकलेगा, हुसैन इसे सात बेटे अता करेगा, हुसैन इसे सात बेटे अता करेगा। लेकिन मोहम्मद ने फरमाया राह तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। नबी दुनिया वालों को बताना चाहते थे कि बेटे तकदीर से नहीं शबीर से मिलते हैं। जो हाथ बुलंद हो गए मालिक सलामत रखे यार। बेटे तकदीर से नबी जानते थे, लेकिन नबी ने समझाया है कि हुसैन से मांग कर जाना। हाय 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 हाय, शबीर की मजलिस में आए हो तो शबीर से कुछ मांग कर जाओ। मेरा अकीदा है सलवात पढ़ना, तवज्जो है जी। हुसैन की मजलिस में आए हो तो हुसैन से कुछ मांग कर जाना, क्योंकि मेरा अकीदा है कि जो बंदा हुसैन से मांगता है ना, तवज्जो मेरे जाए, वो पानी लेने गए हैं। खतीब बंदा होता नहीं है जो बंदा समझे ना मजमे को, वो सिर्फ पानी लेने गए। बंदे हुसैन से मांगा करो भाई, क्योंकि शब्बीर से मांगने का फायदा देखा। हुसैन मालिक आपको सलाम करके, बेटा ये आपकी तरबियत बताती है कि माँ बाप ने कैसे तरबियत की है। यहीं से पता चलता है तरबियत का, यहीं से पता चलता है खानदान का। हुसैन बादशाह से मांगा करो, क्योंकि हुसैन बादशाह मांगने वाले को फिर मांगने वाला रहने नहीं देते, शब्बीर उसे बांटने वाला बना देते हैं। मैं छह मिसरे पढ़कर गुफ्तगू का आगाज करने लगा तो हुसैन बादशाह से मांगने का फायदा क्या है, वो अपने दर के भिखारियों को जहान भर का कफील कर दे। कफील उसे कहते हैं जो खिलाने वाला हो, वो अपने दर के भिखारियों को जहान भर का कफील कर दे। वो अपने रस्ते के एक पत्थर का नाम सब्र खलील कर दे, वो चंद प्यासों का खून दीने खुदा की खातिर सबील कर दे। हुसैन का इख्तियार ये है नबी का सजदा तवील कर दे, हुसैन का इख्तियार ये है नबी का सजदा तवील कर दे। बंदा देखना चाहता हो जो हुसैन के जिक्र में आ जाए फिर उसे बोलना नहीं आता। हुसैन के इख्तियार ये है नबी का सजदा तवील कर दे। हुसैन ऐसा सखी जो बांटे तो खास मनसब भी आम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैह सलाम कर दे। मालिक आपको सलाम रखे। हुसैन बादशाह से मांगा करो, मांगने का फायदा है ना, क्योंकि शब्बीर फिर बांटने वाला बना देते हैं। दुनिया समझी नहीं हुसैन को, मुसलमान नहीं समझे, गैर मजहब समझ गए, मुसलमान नहीं समझे। सिखों के बहुत बहुत बड़े राहबर गुजरे हैं, बाबा गुरु नानक, यहां भी हिंदू कम्युनिटी है, यहां पर रहते हैं, बहुत बड़े राबर गुजरे हैं, बाबा गुरु नानक, वो हर वक्त हुसैन 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 करते रहते थे। हाय हाय हाय, मेरे को लफ्ज ही है ने तुसे तवज्जो, मैंने सिर्फ तवज्जो चाहिए थोड़ी। बाबा गुरु नानक बहुत बड़े राबर गुजरे हैं। ये जो गुरुद्वारा बनाया इमरान खान साहब ने करतारपुर में, ये उनका गुरुद्वारा है। वो हर वक्त हुसैन 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 करते रहते थे। उनके मुरीद आए, चाहने वाले आए, सहाबा उनके पास है, बाबा जी हम आपके चाहने वाले हैं, हम जब भी आपके पास आते हैं आप हर वक्त हुसैन 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 करते रहते हैं। हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके मानते हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं, हम आपको मानते हैं, लेकिन आप जब भी आते हैं आप हर वक्त हुसैन हुसैन करते रहते हैं। हुसैन तो मुसलमानों का पेशवा है, हुसैन तो मुसलमानों का राहबर है। बाबा गुरु नानक देव के फरमाते हैं हुसैन सिर्फ मुसलमानों का पेशवा नहीं है, हुसैन सिर्फ मुसलमानों का राहबर नहीं है, हुसैन हर उस इंसान का राहबर है जिसका जमीर जाग रहा हो। मालिक तनु सलामत रखे यार। हुसैन मालिक आपको
हुसैन हर उस इंसान का रहबर है जिसका जमीर जाग रहा है। वो मुरीद हाथ जोड़ के कहते बाबा जी फिर हमें बताएं किसका जमीर जाग रहा है। आए, 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 किसका जमीर जाग रहा है, किसका जमीर सो रहा है। बाबा गुरु नानक अपने मुरीदों की तरफ देख के कहते हैं घर जाकर अपनी बहन से शादी कर लेना। जो बंदा कहता है मैं जश्न में आता हूँ लेकिन मुझे बोलना नहीं है तो सर उठा। वो कहते बाबा जी हमारा जमीर गवारा नहीं करता कि हम अपनी बहन से शादी करें। बाबा गुरु नानक देख के कहते ये जो जमीर गवारा नहीं करता ना इसी जमीर को हुसैन कहते। इसी जमीर को हुसैन कहते हैं। तीन शाबान है जी। अभी तक मैंने हुसैन बादशाह को राजी किया। मैं चार मिसरे पढ़कर मैं फिर गाजी बादशाह को राजी करने लगा। मस्जिद नबवी है सजदे में सर है रसूल का पुश्त पे आकर हुसैन बैठ गए। गला थोड़े बच्चे ने भी याद थोड़े पुत्र ने भी याद नहीं लेकिन मैं एक फिक्र देना चाहता हूं। तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है जिस बंदे नु शायरी नाल प्यार है जेड़ा बंदा लंगर नहीं कर गया ना वो तो नहीं बोलता। जाकिर पुराने जाकिर आते हैं जिन्हें लंगर नहीं किया या वो नहीं बोलता या जिन्हें दो बार किया वो नहीं बोलता। और मैंने पता लगना है कि केड़ा नहीं कर गया केड़ा दो बारी कर गया है। तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है। तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा मस्जिद नबवी है सजदे में सर है मोहम्मद मुस्तफा का पुश्त पर हुसैन बैठे हैं। शायर कहते तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है तेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे हबीब जरा सजदे को तूल दे तेरी पुश्त में मेरा हुसैन था है। शाबान का महीना जी शाबान का महीना कसीदों का महीना है। ये वो महीना जिसमें मोहम्मद और अली पैकर बदल बदल कर आए हैं। कभी मोहम्मद अली बन कर आए हैं कभी अली मोहम्मद बन कर आए हैं। हमें नहीं पता मोहम्मद अली कब होता है अली मोहम्मद कब होता है। मैं अभी तक हुसैन बादशाह को राजी कर रहा था अब मैं गाजी बादशाह को राजी करने जा रहा हूं। मैं नजम पढ़ के ना मौला अब्बास की फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा। बंदे परेशान हो गए ने कि 20 मिनट पढ़ने के बाद हम गुफ्तगू का आगाज। जितने तक तुम्हें बोलना है ना मैं पढ़ना है पढ़ना है तो जिसे तुम्हें बोलना बंद कर देना मैं मेंबर भाई के हवाले कर देना। हूं ये ना अगले जुमले चुप कर मुझे। बाबा की शुजात का हुनर होते हैं अब्बास जो गाजी बादशाह का मुरीद है जो मौला अब्बास का मानने वाला है जो जश्न मनाने की नीयत से आया बैठा है। बाबा की शुजात का हुनर होते हैं अब्बास शब्बीर के खुतबे का असर होते हैं अब्बास शब्बीर बदन होते हैं सर होते हैं अब्बास मैदान में सब जेर जबर होते हैं अब्बास मैदान में सब जेर जबर होते हैं अब्बास। मुश्किल में कोई पूछे मुश्किल में कोई पूछे कोई सिख हो कोई हिंदू हो कोई मुसलमान हो कोई अहले हदीस हो कोई यहूदी हो मुश्किल में कोई पूछे किधर होते हैं अब्बास लहरा के आलम बोले इधर होते हैं अब्बास। मालिक आपको सलामत रखे जी। आपकी क्या कहने आपकी समातों क्यों क्या कहने मैं तो डरे बैठा हूं बिजाकरा ने सुन दे होते पता नहीं खतीब नु सुन दोगे नहीं जी। मेरे सामने जितने बैठे हैं मालिक आप सबको सलामत रखे मालिक आपके पर्दे महफूज फरमाए मालिक आपकी इज्जतें महफूज फरमाए मालिक आपके रिज्क में इजाफा फरमाए। अब मैं जो सवार साहब जो लफ्ज कहने जा रहा हूं मैं हर बंदे को नहीं जानता जी मैं हर बंदे का नाम नहीं जानता हर बंदे का नाम ले लेता मेरे लिए सारे काबिल इज्जत हैं सिर्फ जवार साहब को जानता हूँ बाकी सारे मोमिन है मोमिन मोमिन का नूर होता है। अल मोमिनो यंजुरु बिनूरिल्लाह है मोमिन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। मैं कुछ लफ्ज कहने लगा मेरे लफ्जों को सरकार अब्बास का तारुफ ना समझना क्योंकि मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं अब्बास का तारुफ करवा सकूं क्योंकि अब्बास का तारुफ करवाने के लिए कम अज कम हुसैन होना चाहिए। जो मैं समझा हूं मैं वो बताने लगा हूं कि अब्बास क्या है। तवज्जो है जी अगर बात समझ में आए बात अच्छी लगे तो फिर हौसला अफजाई जरूर कर देना
कौन अब्बास? मंजले कुरान दिल की धड़कनों का तवाजुन, मस्तरे वही का अमीन सलूनी का लहजा, वजहुल्ला की चबीने अकदा से झलकता हुआ इलाही वकार, मेराज के पर्दा से कलीमुल्ला के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्ला की कुव्वत गुफ्तार, जुल्फिकार के कब्जा पे जमी हुई उंगलियों का अख्तियार, सकूते इलाहिये का मजर सबरे हसन पेश बातिल हुसैनियत, तहरीके कामिल का अर्रास खून फिल इल्म के मिस्ताक, सरकार जाफर का इल्म बाबे मदीना तुल इल्म की शहर विलायत के अंदर खुलने वाले बाबुल हवाज, सरकार मूसा काजम की अता अर्राजी बिल कद्र वल कजा, सरकार रिजा की रिजा कायनात के तमाम मुत्तकियों के तकवे की शर्त, सरकार तकी का करम हकीकत अलविया और हकीकत मुहम्मदिया के इम्तजाज, सरकार नकी का जूद और सब्र इमाम हसन को अपने सीने में छुपाए हुए हसन अस्करी के लहजे की हैबत और मीरे कारवाने हुज्जत इलाहिया के इल्म और अलम की विरासत, जब एक पैकर में ढल के सहने तत्हीर में चले उसे अब्बास कहते हैं। मालिक आपको सलामत रखे। कौन अब्बास? मैं इससे बड़ा लफ्ज कहने लगा हूं, जिसकी नयाम, एक नयाम होती है एक तलवार होती है, जो तलवार होती है ना वो नयाम में रखी जाती है, इन्हें कह लीजिए जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार। मैं गल समझा के पढ़नी है जी, मैं एक जुमला लम्बा करके मैं पढ़ के वेख लिया तुसा लंबे जुमले तो नहीं बोलते, ठीक है जी? खतीब होने मजे मैंने समझ मांजे जी, जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार चलती हुई नहीं, जागती हुई नहीं, काटती हुई नहीं, जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार दुश्मन के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे उसे अब्बास कहते हैं। हाय 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 हाय, मालिक आपको सलामत रखे। कौन अब्बास? जिसके अलम का फरेरा, अलम वेखे अलम होंगे बांस पाइप होंगे नाल कपड़ा होंगे, उस कपड़े नु आदमी जी फरेरा, जिसके अलम का फरेरा जमाने की हवा की मुखालिफ सेमत में लहराए। मैं वजाहत न कर देवा, वजाहत करिए जी। अल्लामा ऐनुल आरिफीन बहुत बड़े आलिम गुजरे मजहब शिया के, मेरी मजबूरी है कि मैं इंज ही पढ़ना, गल्ला में वो करनी जी तुम्हें पहले न सुनी हो। अल्लामा ऐनुल आरिफीन बहुत बड़े मालिक आपको सलामत रखे, मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लामा ऐनुल आरिफीन बहुत बड़े आलिम गुजरे मजहब शिया के, उनसे पूछा गया किबला जब हवा रुक जाती है, जब हवा बिल्कुल रुक जाती है तो अलम का फरारा थोड़ा थोड़ा हिल रहा होता है, कभी देखे ने इन्हीं गल ने हवा रुक बजे ना अलम थोड़ा थोड़ा हिल जाए। बंदे ने सवाल किया किबला जब हवा रुक जाती है और अलम का फरारा हिल रहा होता है ये क्यों हिल रहा होता है? जरा जवाब ऐनुल आरिफीन देते हैं, मैं दारैन कुर्बान करा उन्होंने जुमले थे, वो देख के फरमाते हैं जब हवा रुक जाती है और अलम का फरेरा हिल रहा होता है ये अब्बास की सांसों से हिल रहा होता है। ओए होए 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 होए, मालिक आपको सलामत रखे। आपकी क्या कहने सरकार अब्बास का जिक्र हो, बिस्मिल्लाह जी कितना टाइम और पढ़ने, दो बंदे हैं, अजान 6 बजे होनी है ना, 6:30 ठीक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में, बस दो जुमले और सुन के ना जी, मैं भाई नु टाइम दे, मैं ज्यादा लंबा ही ना करा, बंदे ने आखिर हूं लाई भाई, जश्न में मुस्कुराना इबादत है। ओ साडे जाकिर गुजरे ने रियाज मोशा, सारे जानते हो बुजुर्ग जाकिर ने, सारे जानते मसाहिब पढ़ते हैं, खुतबा पढ़ा रुबाई पढ़ी दो बंद पढ़े थे घर, उन्होंने एक जाकिर सर मुल्तान बानी ने सद लिया जशन वास्ते, हूँ किबला पढ़ते हैं मसाहिब, उन्हें बुला लिया जशन से, उन्हें आगे जी किबला जशन पढ़ने, किबला रियाज मोहि साहब जशन पढ़ा 3.5 मिनट का जशन, जी हसाना है जी, उन्हें 3.5 मिनट जशन पढ़िया मिंबर दे बाबा रियाज शाह जी, उन्हें कहा जी खैबर का मैदान
जो अली बादशाह चले उदू मरहब आया रियाज मोशा पढ़ दे मैं अली बादशाह उदू मरहब आया मौला फरमाए मरहब बाहर कर मरहब बाहर कर मरवे कर नहीं शाहजी पहले तुसी वार करो उन्हें कि जश्न हसना बात दे जश्न सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ बस छोड़ दिए मैंने करबला के मैदान में सरकार अब्बास के दो जुमले पढ़ना चाहता हूं करबला के मैदान में मौला हुसैन ने नाम लिखवाया अब्बास का करबला के मैदान में अल्लाह से मुआयदा हुआ था बहुत बड़ी बात है बहुत लंबी बहस है मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता बहुत लंबी बहस है करबला के शहदा के नाम लिखवाते 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 हुसैन ने कहा पालने वाले लिख अब्बास अब्बास का नाम आया कातिब तकदीर का कलम रुक गया हुसैन ने कहा पालने वाले अब्बास का नाम क्यों नहीं लिखता कातिब तकदीर से कहा लिखे अब्बास का नाम आवाज कुदरत है हुसैन तू करबला में अब्बास को लड़वाना चाहता है हाय 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 तू मसाब नहीं पढ़ते बेटी करबला के मैदान में गल में वो पढ़ दी जड़ी आज तक तुझे पहले ना सुनी हो तू करबला के मैदान में अब्बास को लड़वाना चाहता है तू क्या चाहता है 9 लाख के मुकाबले में गाजी आई गाजी 9 लाख के मुकाबले में लड़े का आवाज का हुसैन आवाज का पालने वाले यही चाहता हो कि मेरा गाजी लड़े आवाज कुदरत आई हुसैन अब्बास 9 लाख से नहीं लड़ेगा का क्यों का क्योंकि अब्बास की कलाई में सिर्फ अब्बास की ताकत नहीं मेरी और अली दोनों की ताकत है या अब्बास की कलाइयों में दो की ताकत है एक अल्लाह की ताकत है आखिर में बात करते करते कहा अच्छा लिखता हूं हुसैन का नाम कातिब तकदीर ने कहा अच्छा हुसैन लिखता हूं अब्बास का नाम लेकिन शर्त है पालने वाले शर्फ क्या है किताब का नाम है खसाइस हुसैनी अल्लामा जाफर शुस्त्री ने लिखा है का शर्त है क्या शर्त है का अब्बास के बाजू कटवाने पड़ेंगे गाल में बड़ी बड़ी कर लगा खुदा की कसम है का अब्बास के बाजू कटवाने पड़ेंगे अगर बाजू कटवाए तो फिर मैं नाम लिखता हूं अगर बाजू कटवाए ना अब हुसैन देखिए कहते पालने वाले अगर बाजू अब्बास कटवाए तो देगा क्या जजा क्या देगा बदले में क्या देगा आवाजें कुदरत आई हुसैन अगर बाजू अब्बास कटवाए तो दो जजा अब्बास के बाजू कटवाने के बदले में मैं दो जजा दूंगा एक जजा दुनिया में दूंगा दूसरी जजा दुनिया और आखिरत दोनों में दूंगा का पालने वाले कौन कौन सी जजा का हुसैन पहली जजा अगर अब्बास बाजू कटवाए तो पहली जजा दुनिया में अब्बास की ये होगी कि पूरी कायनात में इतनी मेरी मस्जिदें नहीं जितने गाजी की आलम होंगे हाय 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 मालिक तुम सलामत रखे इतने मेरी मस्जिद नहीं जितने गाजी के आलम होंगे कब पालने वाले दूसरी जगह हाय हाय दूसरी जगह क्या होगी कहो हुसैन दूसरी जगह पूरी कायनात ये जुमला में बड़े आराम ना पढ़ना थी इस जुमले में जोर नहीं लाना थी पूरी कायनात में पहली जगह ये है कि जितनी मेरी मस्जिदें नहीं होंगे इतने गाजी के आलम होंगे दूसरी जजा अब्बास के बाजू कटवाने की यह होगी कि पूरी कायनात में बगैर हाथों के या मैं अल्लाह दूंगा या गाजी देगा मालिक तआला सलामत रखे लिखवाते लिखवाते ना शहदा के नाम लिखवाते लिखवाते हुसैन ने लिखवाया आबिस शाकरी का नाम करबला दे शहीद है जान दो नहीं दस वैसे मेरा कसूर तो नहीं ना गल बंद हो करे जी किताबा च मिले जी आप इसे शाकरी जब हुसैन मक्का से रवाना हुए ना कूफा की तरफ तो ये हुसैन के पीछे पीछे था हुसैन के काफले के पीछे पीछे था हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास आप इसे शाकरी का नाम है करबला में जो करबला के मैदान में शहदा थे हर बंदे का नाम लिखा हुआ था किसने कैसे शहीद होना है इसने कब हुसैन के साथ मिलना है हर बात का था ये अल्लाह हुसैन के दरमियान मुआयदा हुआ था करबला के मैदान में अगर वक्त होता तो पूरा मुआयदा सुनाता चले हुसैन मक्का से कूफा की तरफ
आबे से शागरी पीछे पीछे, हुसैन ने कहा बस आबे से शागरी को बुला, ये हमसे दूर जा रहा है। इसका नाम है करबला में, इसका नाम है करबला में, इसे बुलाओ। आबे से शागरी अपने गुलामों से कहता हुसैन से दूर दूर रहना, अगर हुसैन ने बुला लिया तो फिर जाना वाजिब है। अगर हुसैन ने बुला लिया तो इमाम वक्त है, जाना वाजिब है। बुला लिया। अब आबे से शाकरी बहुत बड़ा रईस था, शामिल कैसे हुआ हुसैन के काफले में? एक घोड़ा, एक तलवार, एक गुलाम, सब कुछ छोड़ छाड़ के हुसैन के काफले में शामिल हो गया। हुसैन करबला में आया, दो मुहर्रम, तीन मुहर्रम, चार मुहर्रम, दस मुहर्रम के दिन आया, आबे से शाकरी मैदान में गया। बस ये जुमला जी मेरा, इससे दे मेरा जश्न इख्तिताम। आबे से शाकरी मैदान में आया। अब जो मैदान में जाता है ना जी, रजस पड़ता है, रजस होता है कि सामने वाले को बताना कि मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मैं कैसे लड़ता हूं, मैं तलवार से लड़ता हूं, मैं रेजे से लड़ता हूं, मैं घोड़े पे सवार होकर लड़ता हूं, मैं घोड़े से उतर के लड़ता हूं, मैं पैदल लड़ता हूं, मैं मेमना पे हमला करता हूं, मैं मैसरा पे हमला करता हूं, मैं कलबे लश्कर पे हमला करता हूं। ये होती है रजस ख्वानी। मौला अली मैदान में गए, उन्होंने भी रजस पढ़ा। मौला हुसैन मैदान में गए, उन्होंने भी रजस पढ़ा। ये खुद पढ़ना पड़ता है। कायनात का पहला बहादुर है आबे से शाकरी। मैदान में आया, घोड़े पे सवार हुआ, अकेला नहीं आया, गुलाम को साथ लेकर आया। गल नवी हो गए तो फिर बोलिया जे जी, अगर हक बने तो फिर बोलिया। आबे से शाकरी मैदान में आया, अपने गुलाम को साथ लेकर आया। 9 लाख के सामने आके ना अपने गुलाम से कहते मेरा तारुफ करवा। आए, 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 आए। अपने गुलाम से कहते हैं मेरा तारुफ करवा। गुलाम 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के कहता है इसका नाम आबिस है, शाकरी कबीले का सरदार है, इसकी तलवार के रोब से बड़े बड़े बहादुर कांपते हैं, बड़े बड़े बहादुर इसका नाम अपनी तलवार पर लिखते हैं ताकि दुश्मन पर रोब पड़े। उधर खयाम हुसैनी से हुसैन की आवाज आई, आबिस अपना तारुफ खुद क्यों नहीं करवाता? आबिस देखे कहते मौला आपके दुश्मन से बात करने का दिल ही नहीं करता मेरा। हाय 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 अल्लाह, मौला मेरे तेरे दुश्मन से बोलने का दिल ही नहीं करता। बाजी मेरी हो गई हाजरी। जिस बंदे का अकीदा है ना, क्याली बादशाह रिज़्क देते हैं, देंदे नहीं। अजिन देंदे हो तो बोलो। अली बादशाह रिज़्क देते हैं अल्लाह की आमर से, अली बादशाह बारिश बरसाते हैं, अली औलाद देते हैं, अली अकल अव्वल है, अली हुस्न अव्वल है, अली इश्क अव्वल है, अली कायनात का मालिक है, अली जनाब अमीर है, अली मौलाए गदीर है, अली किताब मस्तूर है, अली कायनात का मालिक है, अली मौलाए गदीर है, अली अमीरुल मोमिनीन है, अली कायनात का मालिक है, अली हुस्न अव्वल है, अली अकल अव्वल है। जिस बंदे का अकीदा है पूरी कायनात से पूरी कुव्वत से सलमान नियत बन के, अबू जर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, बहलोल शरीयत बन के पूरी कुव्वत से नारा हादर पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद के जोत अजमत का वास्ता। एक भाई बीमार हैं, कैंसर के मरीज हैं, मालिक उन्हें आज के दिन का सदका मालिक सेहत कामिला आजिल अता फरमा। और भी इस इलाके के जो जो मोमिन बीमार हैं मालिक सबको सेहत कामिला अता फरमा। मालिक आज के दिन का सदका, आज के जिक्र का सदका मालिक इस इलाके पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। मालिक इनको किसी का मोहताज ना फरमा। पालने वाले इनको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। मालिक हमें वाजिबात अदा करने की तौफीक अता फरमा। मालिक हमें नुसरत इमाम के लिए तैयार रहने की तौफीक अता फरमा। हमारी पहली और आखिरी दुआ हमारे वारिस हकीकी इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।